साथियों नमस्कार। आज का जो वीडियो है वो भूलेख पर है, खतौनी। जैसे आज के टाइम में खतौनी निकालने के लिए हम लोग किसी दुकान पे जाते हैं, किसी दुकान पे जाके वहाँ खतौनी निकलवाते हैं, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप अपने घर बैठकर आप कैसे खतौनी निकाल सकते हैं। अगर आप एक मोबाइल फ़ोन यूज़र हैं, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन यूज़र, या आप लैपटॉप यूज़र हैं, तो आप अपने घर पर ही बैठकर खतौनी निकाल सकते हैं। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे निकाल रहे हो या लैपटॉप पे निकाल रहे हो, तो पहला काम आपको क्या करना है, आपको कंप्यूटर पे नेट कनेक्ट कर लेना है या मोबाइल फ़ोन पे डेटा ऑन कर लेना है। अगला काम आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र आपके मोबाइल फ़ोन में भी होगा, अगर नहीं है तो प्ले स्टोर से जाके आप उसको डाउनलोड कर लें, जिससे आपको आसानी से निकालने में खतौनी कोई समस्या ना हो। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, क्रोम ब्राउज़र पे आए और फिर उसके बाद यहाँ पर आप लिख दें भूलेख। भूलेख, भूलेख लिखकर आप जैसे ही यहाँ भूलेख का आ जाएगा, चाहे आप इस पे चले आए या आप यहाँ पे ऐसे लिख दें खतौनी। अब यहाँ पे भी आ जाएगा भूलेख.org। आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे राजस्व विभाग की जो है आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपको आपको जो है क्या चाहिए, खतौनी चाहिए, रियल टाइम खतौनी लॉगिन चाहिए या खसरा लॉगिन चाहिए। जैसे आपको खतौनी चाहिए तो आप खतौनी पे क्लिक कर दीजिए। अब आप यहाँ पे किसी डिपार्टमेंट के हैं तो आप वो देख लीजिए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, तो आप यहां से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप एक कोई भी जॉब नहीं कर रहे, आप अपनी खतौनी स्वयं निकालना चाहते हैं, तो यहां पे आपको राजस्व ग्राम कोड यहां पे आपको क्लिक करना है। एक बार फिर से आप देख लें, मैं आपको अगेन दिखा देता हूँ और इसका डिस्क्रिप्शन, इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए लिखा है राजस्व ग्राम का कोड जाने, फिर यहाँ पे भूखंड घाटे का यूनिक कोड जाने, फिर भूखंड। यहाँ पे अगर ये सारी चीज़ें आपके पास हो तो निकाल सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए अलग अलग तरीके हैं किस तरीके से आप निकाल सकते हैं, लेकिन चलिए हम आपको एक साधारण सा सिंपल सा तरीका बताते हैं। पहला है राजस्व ग्राम का कोड। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है, आप कौन से जिले के निवासी हैं। अब जिला चुनने के बाद फिर आपको यहां पे चुनना है कि आप किस तहसील के निवासी हैं। तहसील के बाद यहां पे आपके पूरे जिले का कोड आ जाता है, जिले के एक एक गांव का कोड, आप किस गांव के निवासी हैं, आप जिस गांव के निवासी हैं। चलिए मैं ऐसे ही एक कोई भी गांव ले लेता हूं, मुझे किसी गांव का विशेष नाम नहीं पता, मैं यहां पे किसी भी एक गांव का नाम ले लेता हूं। जैसे चलिए ये हमने ले लिया, पट्टी तहसील का है, तो ये हमने गांव चुन लिया। अब फिर उसके बाद हमें क्या करना है, नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पे आपको हमें पता चल, यहाँ पे पता चल गया कि राजस्व गांव का कोड क्या है, तो आपने देख लिया। अभी इस गांव के कोड को आपने देख लिया, अब हमें क्या करना है, खतौनी निकालना है। तो अब हमें क्या करना है, ये राजस्व गांव का कोड हमने देख लिया 1595 97, मान लीजिए राजस्व गांव हो गया। तो अब हमें होम पे जाना है, अब भूखंड घाटे की बिक्री स्थिति जाने, भूखंड घाटे के वाद विवाद, भूखंड घाटे का यूनिक कोड जाने। अब जैसे आप भूखंड घाटा, भूखंड घाटा का मतलब क्या होता है, जो आपकी जमीन है उस जमीन का आप कोड जानना चाहते हैं, तो आपको फिर से वही करना होगा। आप यहां से जिस भी गांव का आप यहां पे लेते हैं, मान लीजिए आप, चलिए ऐसे ही हमने ले लिया कोई एक गांव, तो इस तरीके से आ जाए, आ गया। अब अगर आपको घाटे का कोड पता है तब तो आप यहां पे निकाल सकते हैं, और घाटे का कोड नहीं पता है तो आप नहीं निकाल सकते। तो चलिए हम यहां पे ऐसे ही कोई एक घाटे का कोड जो भी हो, गाँव यहाँ पे हमने चुन लिया, आपके घाटे का कोड जो हो वो आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप उसको भी आसानी से पता कर सकते हैं। यहाँ पे आपको खसरा या घाटा संख्या डालना है, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने क्या किया, अच्छा आपको टाइप करना है यहाँ से, ये हमने टाइप कर दिया,
ऐसे ही कोई एक डाटा संख्या और खोजे पे क्लिक किया तो आ गया। अब उसके बाद यहां पे क्लिक करना है तो अब यहां पे क्लिक करने के बाद आपको आपका डाटा संख्या पता चल गया। तो ये है आपका डाटा संख्या। अब मान लीजिए कि आपको फिर आते हैं हम बैक होते हैं, यहां पे एक एक चीजों को मैं आपको डिफाइन करके अच्छे तरीके से दिखाऊंगा। अब जैसे आपको खतौनी निकालनी है तो आपको क्या करना है, खतौनी अंश निकालें। अब आपको क्या करना है, यहां पे देखते हैं तो यहां पे आपको क्या करना है, वो जिला चुन लेना है जिस जिले के आप निवासी हैं, फिर आपको तहसील चुन लेना है, फिर आपको अपना गांव चुन लेना है, कोई भी एक गांव आप चुन लीजिए, फिर यहां पे डाटा संख्या आप चुनिए और खोजे पे क्लिक करिए। अब जैसे ही आप खोजे पे क्लिक करते हैं तो ऐसे आपके सामने आ जाता है। तो आप यहां पे इस नंबर पे, ये आपका डाटा संख्या है तो आपने उधर देखें पे यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां पे इस तरीके से आपके सामने पूरी की पूरी खतौनी आ जाएगी। अब यहां पे क्या कह रहा है, खातेदार के बाहरी निवासी होने के कारण इस घाटे के अंश का निर्धारण नहीं है, अतः इस घाटे की बिना अंश वाली उद्धरण खतौनी निकालें। तो बिना अंश वाली, तो अभी हम किसी और का देख लेते हैं। मान लीजिए यहां पे हमने देख लिया ऐसे अमाउंट, ये नंबर ज्यादा हो गया, इसको क्लियर कर सकते हैं। तो हमने यहां से कर दिया कोई भी एक डाटा संख्या। अब फिर हम उसके बाद यहां पे आते हैं तो अब देखिए खातेदार का नाम क्या है और खातेदार का पूरा डिटेल, यहां से हम एक एक करके आप देख सकते हैं। मैं चलिए दूसरा कोई दिखाता हूं, खोजे ऐसे बहुत सारे हैं। तो यहां पे कोई नाम देके इस पे आइए तो यहां पे देखिए इनका डाटा संख्या क्या है। तो यहां से आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप खतौनी देख सकते हैं और इनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप यहां से संतुष्ट नहीं हैं तो आप यहीं पर, मैं होम में चल के आपको दिखाता हूं, भूल एक पर यहां पे आपको बहुत सारे और ऑप्शन मिल जाएंगे। आप इनका भी ये नकल देखना है, खतौनी का नकल, तो यहां पे आपको ये कैप्चा फिल करना होगा। अब कैप्चा फिल करके आप आसानी से एक एक ऑप्शन का यूज करके आप देख सकते हैं जैसे आप खतौनी निकालना चाहते हैं। अब यहाँ पे आप पूरा देखें कैसे रियल टाइम डैशबोर्ड की खतौनी है, ये मैं आपको एक बार दिखा दूं। यहाँ से आप अपना पूरा का पूरा एकदम डिटेल देख सकते हैं, खतौनी अधिकार अभिलेख की नकल देखें। अब यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है, अगर आप खतौनी निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कैप्चा फिल करें और कैप्चा फिल करके आप सबमिट बटन पे क्लिक करें। अब उसके बाद आप यहाँ से जिला चुन लें, तहसील चुन लें और फिर यहां से आप ब्लॉक चुनें, इस तरीके से आ जाएगा। यहां पे आप अपना डाटा संख्या भर दें, जो भी आपका डाटा संख्या है, या आप यहां पे अगर कोई और डाटा संख्या है तो आप उसको भर दें। तो यहां पे मैं एक डाटा संख्या भरता हूं, ये नहीं है, इसको देख लेते हैं हम लोग, हो सकता है ये हो, तो यहां पे है लेकिन इस पे किसी का नाम नहीं लिखा है। तो आप जब ऐसे करेंगे तो जो भी नाम का होगा वो पूरा डिटेल यहाँ पे, ये कैप्चा फिल करने के बाद ये पूरा डिटेल आ जाएगा, किसकी किसकी ज़मीन है और कहाँ की ज़मीन है, किसको बेचा गया है, ये सारा डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा और यहाँ पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आप अपनी खतौनी का प्रिंट निकाल सकते हैं और इसको आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक कर लें और इसका प्रिंट भी आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से खतौनी अपनी जान सकते हैं, और भी आपको इस तरीके के नॉलेज हम देते रहेंगे। इसी तरीके से आप हमारे वीडियो और चैनल के साथ बने रहें। दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।